मध्य प्रदेश विद्युत विभाग में लंबित अनुकंपा आश्रितों के लिए आई बड़ी खबर। मध्य प्रदेश के अध्यक्ष बीडी शर्मा जी द्वारा मिला आश्वासन। 19 जून 2023 को भारतीय मजदूर संघ के बैनर तले एक ज्ञापन दिया जाता है, जो कि संगठन के पदाधिकारियों द्वारा बताया गया कि बीडी शर्मा के माध्यम से एक बैठक होती है, जो कि आप पूरी तस्वीरों पर देख सकते हैं। जो कि जिस तरीके से ज्ञापन जो पत्र था उसमें भारतीय मजदूर संघ के बैनर तले अनुकंपा आश्रितों को मध्य प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा द्वारा आश्वासन मिला है, जल्द ही नियुक्ति मिलने के आदेश मिल सकते हैं। जहां पर सुमित, अंकुर, गौरव, वसीम के साथ इंदर सिंह आदि लोगों के साथ बैठक हुई, जहां पर बताया गया कि जो कर्मचारी 2007 से 2012 के बीच में समान मृत्यु के उपरांत भी जिनके आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति नहीं मिली थी, उन्हें जल्द ही नियुक्ति मिलने के आदेश जारी हो सकते हैं। जिस तरीके से 2013 में एक नई पॉलिसी बनाई गई थी अनुकंपा नियुक्ति के लिए, जहां पर कहीं कहीं से 2007 से 2012 के बीच में जो मध्य प्रदेश के विद्युत विभाग में जो कार्यरत जो कर्मचारी जो दिवंगत हुए थे, उनके कहीं कहीं से परिजनों को यानी उनके आश्रितों को लाभ नहीं मिल पा रहा था, उसके लिए एक बैठक होती है। बैठक में कहीं कहीं से बीडी शर्मा जो कि मध्य प्रदेश के अध्यक्ष हैं, उनके द्वारा एक आश्वासन मिला है कि जल्द ही इस पर आदेश निकाले जा सकते हैं। आपके लिए बड़ी खबर मध्य प्रदेश से लेकर के आया हूं। आप देख रहे हैं मित्र टीवी में आपके सवाल, आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं। जिस तरीके से अनुकंपा आश्रितों के लिए लगातार आवाज उठ रही थी, अनुकंपा आश्रित लगातार इधर उधर भटक रहे थे, लेकिन किसी भी तरह से कोई सकारात्मक जो परिणाम होना चाहिए वो देखने को नहीं मिल पा रहा था। उसी संबंध में भारतीय मजदूर संघ के बैनर तले कहीं कहीं से यह एक आश्वासन मध्य प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा जी द्वारा देखने को मिला है। उनके द्वारा आश्वासन दिया गया है कि जल्द ही अनुकंपा आश्रितों को नियुक्ति देने का कार्य जारी होगा। तो जैसा कि समय लगभग देखा जाए लगभग चुनावी माहौल है, चुनावी माहौल में कई घोषणाएं पर घोषणाएं देखने को मिल रही है। मध्य प्रदेश की सरकार किसी भी तत्व को छोड़ना नहीं चाहती है, कहीं कहीं से अनेकों योजनाएं अनेकों घोषणाओं के साथ में उनको लाभान्वित करना चाहती है, और उसके साथ में ही कहीं कहीं से जो चुनाव का जो रुख है वो अपनी ओर खींचना चाहती है। इसी कड़ी में कहीं कहीं से अनुकंपा आश्रितों के लिए भी बीडी शर्मा जी द्वारा एक साफ संकेत दे दिए गए हैं कि जल्द ही इनकी नियुक्ति के आदेश दे दिए जाएंगे। हालांकि इस तरीके से कई बार पहले भी आदेश निकाले गए, इस पर सूचियां मंगाई गई, लेकिन किसी भी तरह से कोई भी हल नहीं निकला, किसी भी तरह से कोई परिणाम देखने को नहीं मिला है। अब इस बार भी देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि जिस तरीके से मध्य प्रदेश के अध्यक्ष बीडी शर्मा जी द्वारा जो आश्वासन मिला है उस पर कितना प्रशासनिक अमला कितना अमल करता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन अभी हाल फिलहाल खुशियों की जो लहर है अनुकंपा आश्रितों में देखने को मिल सकती है, अनुकंपा आश्रितों के लिए एक बड़ी खबर देखने को मिल सकती है। बड़ी खबर जो है मध्य प्रदेश से अनुकंपा आश्रितों के लिए देखने को मिल रही है, जो कि आप तस्वीरों को देख सकते हैं। संगठन के पदाधिकारियों द्वारा बीडी शर्मा जी के कार्यालय में बैठक होती है, उनके माध्यम से वार्तालाप होता है, कई मुद्दों पर चर्चाएं होती है, और उन मुद्दों के साथ में बीडी शर्मा जी द्वारा सुना गया, इसके बाद में आश्वासन दिया गया कि जल्द ही इस प्रकरण पर प्रशासन को आदेश देने का कार्य मध्य प्रदेश शासन करेगी। और इसके बाद में कहीं कहीं से अनुकंपा आश्रितों के लिए एक बड़ी खबर मध्य प्रदेश से देखने को मिल सकती है बीडी शर्मा जी द्वारा। तो चलिए इस खास खबर को लेकर के आप क्या राय कमेंट कर बताना भूलिएगा, अनुकंपा आश्रितों के वीडियो भेजना बिल्कुल ना भूलिएगा। अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलिएगा, अगर यूट्यूब चैनल को देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।